ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी में दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक के सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान और शक्तिशाली सम्राटों और राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं। सम्राट अशोक की भारत के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञात हो कि सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ और शिलालेख भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं, इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा और शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे, इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज है। विश्व विख्यात कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद भगवान बुद्ध के कारण सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा ली। यहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का योग आरंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धम्म का स्वीकार किया। भगवान बुद्ध और धम्म की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास सारनाथ बौद्ध मंदिर, बौद्ध गया, कुशीनगर, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश के कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक सम्राट अशोक था। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धम्म का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी उपयुक्त है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए आचल लोखंडे, नागपुर।